अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं ट्राउज़र की कटिंग का बहुत सिंपल तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस ट्राउज़र की कटिंग के लिए जो मैंने मेजरमेंट्स लिए हैं, लेंथ 36 इंच, वेस्ट 12 इंच है, आसन 13 इंच होगा और पौंचा मैंने 7 इंच रेडी करना है। तो सबसे पहले मैंने 2.5 मीटर कपड़ा ले लिया है और उसको मैंने बहुत अच्छे से आयरन कर लिया है। और इसके ऊपर जो थोड़ा सा कपड़ा ऊपर नीचे गैप आ रहा था उसको मैंने कटिंग कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले मैं ऊपर 2 इंच का गैप छोड़ के एक लाइन लगा लूँगी। ये 2 इंच जो है ये बेल्ट बनाने के लिए है। तो फ्रंट में मैं बुकरम और बैक साइड पे इलास्टिक डालूंगी, उसके लिए मैंने ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद हम जो है लेंथ जो होगी इसके बाद मेजर करेंगे। अब इस लाइन के ऊपर मैंने जो वेस्ट है उसका निशान लगाना है। तो मैंने 12 इंच वेस्ट लिया है और जितनी मैंने वेस्ट लेनी है तकरीबन उतना ही मैंने क्रोच की लाइन लगा लेनी है। 12 इंच मैंने ऊपर से चौड़ाई का निशान लगाया था और 12 इंच पे ही मैंने आगे 2 इंच ये बढ़ा के लाइन लगा ली है। और नीचे से मैंने 2 इंच उस लाइन पे और जो क्रोच लाइन है उसके ऊपर मैंने 3 इंच का गैप लगा के ये थोड़ा बाहर की साइड पे रख के मैंने ये शेप किया है। इसकी ज़्यादा गुलाई में शेप करेंगे तो पौंचा जो है वो अंदर की तरफ से उठ जाता है। तो इसको हमने थोड़ा सा बाहर की साइड पर ही शेप करनी है। और जो मैंने ऊपर 2 इंच बेल्ट की लाइन लगाई थी उसके बाद मैंने ट्राउज़र की लेंथ ले लेनी है। अब आपकी जितनी भी लेंथ है आप 35, 36, 37 जितना भी है उतनी आपने लेंथ ले लेनी है। मैंने 36 इंच ली है तो इसका मैं 2 दफ़ा निशान लगा लूँगी 36 इंच का और इसके ऊपर मैं एक लाइन लगाऊँगी। और इसके बाद जो है नीचे मैंने हेमिंग के लिए छोड़ना है तो जो नीचे से पौंचा मैं उसको स्टिच करूँगी उसके लिए मैंने 2.5 इंच ले लेना है। 2.5 का नीचे निशान लगाऊंगी और इसके ऊपर भी मैं एक लाइन लगा लूँगी। अब जो मैंने पौंचे की लाइन ली थी इसका मैंने हाफ करना है। ऊपर से मैंने 12.5 लिया था तो 6.25 इंच जो है 6.6 1/4 के ऊपर मैंने निशान लगाना है। और पौंचा मैंने 7 इंच रखना है तो जो सेंटर की लाइन है वहाँ पे 3.5 रख के तो दोनों तरफ मैंने जो है 3.5 एक तरफ 3.5 एक तरफ निशान लगाना है। और अब जो आसन से लेके पौंचे तक का मैंने मिडल ले लेना है वो जितनी भी लेंथ होगी उसका हाफ लेके मैंने वहाँ पे लाइन लगानी है और दोबारा 6.25 इंच पे मैंने एक लाइन लगा देनी है। और उधर से भी मैंने अब जैसे पौंचा मैंने 7 इंच लिया था तो जो मैं घुटने का निशान लगाऊंगी वहाँ मैंने 9 इंच लेना है। तो 4.5 इंच जो है वो उस पॉइंट पे आना चाहिए मिडल पे और उसकी दोनों तरफ 4.5 4.5 9 इंच हो जाएगा। तो ये एक मीडियम साइज़ का ट्राउज़र है जिसकी लेंथ भी तकरीबन मीडियम लेंथ है इसकी ट्राउज़र की और मीडियम ही जो है इसकी जो फिटिंग रखी है वो मैंने मीडियम साइज़ रखा है। तो अगर आपका साइज़ स्मॉल है तो आप ओवरऑल इंचेस जो हैं वो 1-1 इंच कम कर सकते हैं और लार्ज के लिए आप यही सारे जो हैं वो 1-1 इंच बढ़ा के रख सकते हैं चौड़ाई। और लेंथ तो आप पे डिपेंड करती है, जितनी आपकी लेंथ है आपने उतनी रख लेनी है। अब इस निशान के ऊपर मैंने कटिंग कर लेनी है और ये फ्रंट साइड का सिर्फ जो है पैटर्न रेडी हो गया है। अब इसी को यूज़ करते हुए मैं बैक साइड का करूँगी। और ये ट्राउज़र की कटिंग जो है इसमें मैंने कोई जो पेंट का स्केल आता है जो शेप पट्टी जिसे कहते हैं मैंने वो यूज़ नहीं की क्योंकि वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती। तो इस तरीके से बहुत अच्छा जैसे टेलर्स कटिंग करते हैं ये उस तरह से है। और आप ये शेप पट्टी के बगैर भी इस तरह से कटिंग करके ट्राउज़र की अच्छी शेप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है मैंने उसी कपड़ा जो नीचे बच गया था उसको बढ़ा लेना है और ये फ्रंट साइड जो है इसको रखते हुए मैंने बैक साइड की ड्राफ्टिंग करनी है। और इसको मैंने इस तरह से इधर सेट करना है कि ऊपर से मैंने 2 इंच का गैप छोड़ना है और जो साइड्स हैं उधर से मैंने 1-1 इंच का गैप छोड़ लेना है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा पीस है इसकी पहले मैं कटिंग कर लूँगी। और इसका बैक साइड का जो होता है हम आसन हमेशा 2 इंच बढ़ा के लेते हैं बल्कि वो 3 इंच बढ़ जाता है। तो अब मैंने 2 इंच का यहाँ से निशान बढ़ा लेना है और साइड से 1 इंच का और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला लेना है। अब क्रोच की साइड से आसन की साइड से मैं 1 इंच और बाहर की तरफ निशान लगाऊंगी और इस निशान को जो है मैं ऊपर जो 2 इंच मैंने बढ़ाया है उसके साथ मिलाऊंगी। और ये ज़्यादा शेप नहीं दूंगी मैं, इसको मैं थोड़ा सीधा सीधा ही जो है लाइन लगाऊंगी इसके। इस तरह से अगर हम मेजर करेंगे तो बैक साइड का जो आसन है वो फ्रंट साइड से 3 इंच तक ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब मैंने जो दोनों साइड्स हैं वहाँ से 1-1 इंच बढ़ा लेना है और 1-1 इंच के गैप के साथ मैंने थ्रू आउट जो बैक साइड की फिटिंग होगी वो 1 इंच ज़्यादा होगी दोनों साइड से।
टोटल 2 इंच ज़्यादा हो जाएगी, एक साइड एक एक इंच एक एक साइड से बढ़ाऊँगी तो ओवरऑल जो है वो 2 इंच बढ़ जाएगा। तो ये बैक साइड की भी ड्राफ्टिंग हो गई है और अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये बहुत आसान तरीका है, सिंपलेस्ट तरीका है अच्छे से ट्राउज़र की कटिंग करने का। और अगर आप बहुत पतले हैं तो आप इसकी जो ओवरऑल चौड़ाई है उनको एक एक इंच कम कर सकते हैं, और अगर आप थोड़े हैवी हैं तो इसकी ओवरऑल जो इंचेस हैं उनको एक एक इंच बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर से 12 इंच लिया था, तो अगर आप का वेट ज़्यादा है तो आप 13 इंच ले सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।